नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, कहाँ है, यहाँ, पवन दूतिका। यद्यपि यह वीडियो पहले से इस चैनल पर अवेलेबल है, बट फिर भी जैसे जैसे मेरे पास समय मिल रहा है, मैं नए सत्र 2022-23 के लिए फिर से आप लोगों के साथ नए नए वीडियो बनाता चल रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम लोग बहुत ही जल्दी लाइव सेशन भी शुरू करने वाले हैं शाम को। आप लोगों को पता है 7 से 8 इंग्लिश और 8 से 9 हमारी हिंदी रहती है, तो शाम को लाइव सेशन में इसका जो एक्सरसाइज वगैरह है उसको हम लोग कवर करा लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं पवन दूतिका का ये टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ आज दोबारा अपने इस चैनल पर। इसके पहले से भी पवन दूतिका की वीडियो उपलब्ध हैं, यद्यपि वो वीडियो आज के लगभग 1.5 साल पहले बने थे, उसमें रिसोर्सेज नहीं थे, जैसी संभावनाएं थी, जैसी व्यवस्थाएं थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आप तक बेहतर पहुंचाने की कोशिश की थी। बट आप लोगों के स्नेह और आप लोगों के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज हम लोग स्मार्ट बोर्ड में हैं, तो जो बेहतर हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है, मैं आपको देने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चैनल का नाम रविकांत मोहित त्रिपाठी, वही नाम जो आपके इस मेंटर का है। आप इसको अपने मेंटर के रूप में देखें, अपने शिक्षक के रूप में देखें, बड़े भाई के रूप में देखें, छोटे भाई के रूप में देखें, अंकल के रूप में देखें, फैमिली मेंबर के रूप में, हर तरीके से मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूँ जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते। ओके, हम लोग उठ चुके हैं, जाग चुके हैं, क्योंकि हम लोग स्वामी विवेकानंद के पुत्र हैं, इसलिए जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता हम रुकने वाले नहीं हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं पवन दूतिका। सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण को सादर अभिवादन। चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए, मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से हूं, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पवन दूतिका। जी हां दोस्तों, ये जो पवन दूतिका है हमारे यहां, इस पवन दूतिका के बारे में छोटा सा परिचय आप लोग लेते चलिए। कक्षा 12वीं की जो काव्यांजलि पुस्तक है, उस समय जो सामान्य हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए ये पहला पाठ है, और जो साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये तीसरा पाठ है। जी हाँ, हम लोग इसके पहले वीडियोस बना चुके हैं। आपको पता है उद्धव प्रसंग, जगन्नाथ दास रत्नाकर का प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए। बट जो बच्चे सामान्य हिंदी से हैं अर्थात साइंस साइड वाले बच्चों के लिए ये पहला पाठ है काव्यांजलि का, पवन दूतिका, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। जी हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका उपनाम है हरिऔध, ये हरिऔध नाम से कविताएं लिखते हैं। यह जो कविता है वो मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है। ये बड़ा प्रमुख विषय है, कोई भी कविता उसका काव्य सौंदर्य जब पूछता है या उसके बारे में जानकारी जब हमको देनी होती है भाषा शैली की, तो छंद की जानकारी होनी चाहिए। तो यह जो हमारी कविता है ये मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है। जो प्रमुख अलंकार है वह प्रमुख अलंकार इसमें मानवीकरण प्रयोग हुआ है। कारण यह है कि पवन को दूत बनाया गया है, जो हवा बह रही है उस हवा के थ्रू मैसेज भेजने का प्रयास किया गया है, यानी जो हमारी हवा है उसको एज अ मैसेंजर यूज किया गया है। क्योंकि हमारी इस कविता की जो प्रमुख पात्र है वो महिला है, वो राधा रानी है, राधा रानी एक महिला पात्र हैं, तो महिला का जो सखी होती है, सहेली होती है, वो भी महिला ही होती है, इसलिए पवन को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है और पवन को दूतिका बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पवन पुल्लिंग शब्द है, पवन शब्द पुल्लिंग है, लेकिन चूंकि यह कवि की कल्पना है, कहते हैं जहां न पहुंचे रवि, नहीं रवि सूर्य, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि की कल्पना बहुत दूर तक उड़ान करती है, इसलिए यहां पर पवन को स्त्रीलिंग प्रयोग किया है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। क्यों? क्योंकि पवन जिसका दूत बना है वह स्त्री पात्र है, तो स्त्री पात्र का जो सेवक होगा वह भी स्त्री ही होगी। इस भावना के तहत पवन को दूतिका बना दिया गया है, यानी स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। तो जो पवन है वो दूती बनी हुई है, दूतिका बनी हुई है, तो हवा को एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए हवा का मानवीकरण किया गया है। पूरी कविता में हवा से बातचीत की गई है, इसलिए यहां पर प्रमुख अलंकार मानवीकरण है। यानी किसी भी प्रकृति जन्य निर्जीव वस्तु को अगर हम कभी भी उसको सजीव के रूप में कल्पना करते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरी बात,
जो इसमें रस प्रयोग हुआ है वह रस इसमें विशेषतः वियोग श्रृंगार प्रयोग हुआ है, क्योंकि राधा और कृष्ण परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वर्तमान में जो कविता की पृष्ठभूमि है वो ये कहती है कि कृष्ण मथुरा में बस गए हैं और राधा रानी अभी गोकुल यानी बरसाने में हैं, तो राधा रानी कृष्ण के पास मैसेज भेजती हैं, दोनों के बीच प्रेम है लेकिन दोनों प्रेम करने वाले एक दूसरे से दूर हैं, इसलिए दोनों के बीच में वियोग है और श्रृंगार भी है। जब दो प्रेम करने वालों के बीच का प्रेम अस्फाव दिखाया जाता है और दोनों प्रेम करने वाले दूर दूर होते हैं तो वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। तो यहां पे वियोग श्रृंगार है, इसके साथ साथ करुण रस का भी प्रभाव है, जहां पे शोक होता है, दुख होता है, रुदन होता है, कष्ट होता है, वहां पे करुण रस की भी निष्पत्ति मानी जाती है। तो यहां पर प्रथमतया तो वियोग श्रृंगार है और इसका गौण प्रभाव अगर देखेंगे तो करुण रस का भी यहां पर प्रभाव है। दूसरी चीज कि मैं इस कविता को शुरू करूं इसके पहले तीन चीजें यहां पे हमने लिखी हैं, एक हमारा है छंद, दूसरा है हमारा अलंकार और तीसरा है हमारा रस। इन तीनों के वीडियोस इसी चैनल रविकांत मणि त्रिपाठी पे उपलब्ध हैं। आप छंद, अगर आपको छंद सर्च करना है, अगर आपको देखना है छंद, तो आप हमारे इसी चैनल पे इन तीनों में से कोई चीज आप लिख सकते हैं, CHHAND छंद और बाई रविकांत। आप ऐसे अगर YouTube पे जा करके कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको छंद के वीडियोस मिल जाएंगे। हर तरह के छंद को मैंने स्पेसिफाई किया है, आप वहां से छंद पहचान सकते हैं। यदि अलंकार का मैटर आता है तो आप अलंकार सर्च कर सकते हैं, अलंकार बाई रविकांत, आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको सर्च करना है तो रस बाई रविकांत, आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज सर्च करेंगे तो वह डिटेल आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जिन भी भैया बहनों को अगर इनसे संबंधित कोई चीज पकड़नी है, क्लेरिफिकेशन लेना है, तो आप इन वीडियोस को हमारे इसी चैनल रविकांत मणि त्रिपाठी पे पा सकते हैं। ओके, तो ये रही हमारी जनरल भूमिका। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पाठ को। हमारे पाठ का जो पहला छंद है, मैंने पहले बताया मंदाक्रांता छंद है। पहला छंद, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। क्या कहा, एक दिन बैठी हैं कौन, राधिका, कैसे, खिन्ना, दुखी हो करके खिन्न हो करके कष्ट में पड़ करके बैठी हैं। यक दिवस, एक दिन, वे, यह जो वे आया है यह सर्वनाम आया है राधा के लिए, वे जो है सर्वनाम है राधा के लिए, यानी एक दिन वह अर्थात राधा, गेह, गेह का मतलब होता है घर, गृह का तद्भव प्रयोग हुआ है गेह, अकेली यानी अकेले, एक दिन राधिका घर में अकेले बैठी हैं और कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। खिन्ना का मतलब होता है दुखी, एक दिन दुखी होकर के वे अर्थात राधा रानी अपने घर में अकेले बैठी हैं, ठीक जिस समय बैठी हैं उसी समय आके आंसू, दीर्घ यानी नेत्र, युगल का मतलब हो गया दोनों नेत्रों में, दीर्घ का मतलब नेत्र, युगल मतलब दोनों नेत्रों में आकर के धरा को भिगो रहे थे। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप धरा पढ़िएगा, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यह धारा छप गया है, यह है धरा, धरा मतलब धरती, ठीक है, मैं इसको कवर कर देगा, आप इसको यूं समझिएगा, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, धरा यानी पृथ्वी, दोनों नेत्रों में आंसू आकर के इतना ज्यादा आंसू झरझर गिर रहे थे कि वे आंसू शरीर से होते हुए पृथ्वी तक जा रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। ठीक उसी समय आई, क्या आई, धीरे से, कहां आई, इस सदन में, सदन का मतलब होता है घर, घर का पर्यायवाची है सदन, जहां पर राधिका बैठी हैं उसी महल में आई, पुष्पों के सदगंध को लेकर के, सदगंध सुंदर गंध,
यानी पुष्पों से सुशोभित, यानी पुष्पों की खुशबू को लिए हुए कौन आई? प्रातः वाली सुपवन। सु उपसर्ग लगा है पवन के साथ, सुंदर पवन, अच्छी वाली हवा, जो प्रातः काल की सुंदर हवा आती है, जो अंतर्मन को प्रसन्न कर देती है, ऐसी हवा उसी समय कहां से आई? वातायनों से। वातायन खिड़की से, विशेषता वातायन का मतलब होता है रोशनदान। ऊपर हमारे घरों में लगता है रोशनदान दरवाजे के ऊपर, उसी समय रोशनदान से हवा प्रवेश करती है। कौन सी हवा? प्रातः की हवा है। कैसी हवा है? सुपवन, सुंदर हवा है। और उस हवा में क्या है? पुष्पों की सदगंध है, यानी पुष्पों की महक है। प्रातः काल की सुगंधित हवा उसी समय कमरे में प्रवेश करती है। अर्थ समझ में आया? एक लाइन में इसको हम स्पष्ट कर दें कि एक दिन राधिका अपने घर में अकेली दुखी होकर के बैठी हैं, दोनों नेत्रों से आंसू लगातार बह करके शरीर से होते हुए पृथ्वी तक जाकर के पृथ्वी को भिगो रहे हैं। ठीक उसी समय धीरे धीरे उस घर में सुंदर पुष्पों के गंध से युक्त होकर के, यानी सुगंधित प्रातः वाली हवा रोशनदान से प्रवेश करती है, यानी हवा घर में पहुँचती है। जैसे ही पहुँचती है तो आगे क्या होता है, अगला छंद देखेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख कर दुखिता हो, धीरे बोले सदक उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधिका दुखी है। जब कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित रहता है ना, बीमार रहता है ना, अच्छी चीज भी भोजन करने को दो ना तो उसको तीखा लगता है। अनुभव किए होंगे आप लोग, तेज बुखार में अगर किसी व्यक्ति को रसगुल्ला भी खिलाइए ना, उसको तीखा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि शरीर जब कष्ट में है ना, व्याधि में है ना, तो अच्छी चीजें भी खराब लगती हैं। प्रातः की जो हवा होती है ना, वो सबसे ज्यादा आनंददायक होती है। लेकिन यहां पे वह प्रातः की हवा राधिका को परेशान कर देती है और दुखी करती है। कैसे? संतापों को विपुल बढ़ता देख कर दुखिता हो। राधिका के पास जैसे ही प्रातः वाली हवा प्रवेश करती है, राधिका का संताप और बढ़ जाता है। संताप कष्ट, संताप शब्द आया, संताप का मतलब हो गया कष्ट। राधिका का कष्ट और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? विपुल मात्रा से अधिक हो गया, नापने भर का नहीं बचा, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा। विपुल का मतलब इतना जो नापा ना जा सके, अमित रूप से बढ़ गया, असीम हो गया। ऐसा देख करके राधिका और दुखी होकर के बोली। जब राधिका के अंदर का कष्ट बढ़ने लगा उस हवा के आने से, तो राधिका और दुखी होकर के बोली। कैसे? क्या लिखा इन्होंने? धीरे बोली सदुख उससे, दुख के साथ होकर के। कौन? श्रीमती राधिका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विवाहित जो हमारी बहनें होती हैं उनके सामने तो श्रीमती लग जाता है, लेकिन जो अविवाहित बहनें हैं उनके नाम के आगे अगर श्रीमती लगा दिया जाए तो? समाज में अगर कहीं कहीं कोई बैठा हो, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बिटिया रानी है जो विवाहित नहीं है, लेकिन उसके नाम के आगे श्रीमती लगा दें तब? राधिका का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ था, आपको भी पता है, लेकिन देखिए इन्होंने श्रीमती शब्द का प्रयोग किया है। देखिए श्रीमान और श्रीमती यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये किसी के साथ लग सकते हैं, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। कई सारे विशेषज्ञों से मैंने भी इस बारे में वार्ता की, पता किया, कहीं कोई भी भेद नहीं है, इसलिए अपने मन में कष्ट मत पालिएगा। श्रीमती राधिका सदुख उससे धीरे से बोली दुखी होकर के, जब उनका संताप और बढ़ने लगा। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातः की प्यारी सुंदर पवन, क्यों मुझे इतना है सताती, तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो, क्यों मेरे दुख को और बढ़ा रही हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता से दुखी हो? काल बहुत क्रूर होता है। समय, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अगर आप जितने प्रेम से समय को काटते हैं ना, उतनी ही निर्दयता से समय आपको काटता है। जी हाँ मित्रों, रविकांत मित्र पाठी अपनी बात बता रहे हैं, ये मेरे जीवन में मैंने इस चीज को स्थापित कर लिया कि जब उन्होंने कहा जितने प्रेम से आप समय को काटते हैं, उतनी ही निर्दयता से समय आपको काटता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखिए। काल बहुत निर्दयी होता है, क्रूर होता है। काल कभी नहीं सोचता कि जो मैं कर रहा हूं उसका सामने वाले पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मौत कभी भी कहीं से भी आ जाती है। काल पर्यायवाची है मृत्यु का, और मृत्यु कभी भी दया नहीं करती। चाहे वो एक दिन का बालक हो और चाहे वो 85 वर्ष और 90 वर्ष का वृद्ध हो, काल कभी किसी पे दया नहीं करता। कह रही है राधिका, क्या तू भी है कलुषित,
कष्ट में पड़ी हुई है, दुखी है काल की क्रूरता से, क्या तुम्हारे ऊपर भी काल ने कोई क्रूरता की है जैसा मेरे ऊपर हुआ है? मेरा प्रियतम मुझसे अलग हो गया है, यह काल की क्रूरता है। काल ने मेरे ऊपर क्रूरता की कि मेरे प्रिय कृष्ण को मुझसे अलग कर दिया, क्या इसी प्रकार का कोई दुख तुमको भी है? क्या काल ने तुम्हारे ऊपर भी कोई ऐसा ही दुख बरपाया है? स्टेंजा समझ में आया कि अपने दुख को जब ज्यादा बढ़ता हुआ देखा तो दुखी होकर के पूरी तरह से दुख में स्नान करके राधिका उससे पूछती हैं कि हे प्रातः काल की सुंदर पौन, तुम मुझे क्यों सता रही हो? क्या तुम भी काल के कारण दुखी हो? अगले स्टेंजा पे चलती हैं और पवन को बताती हैं कि हे पवन, एक छोटा सा मेरा काम है। हे पवन, पूछो क्यों? क्योंकि एक अपने यहाँ बहुत पहले पिक्चर आई थी, मुझे पिक्चर का नाम ध्यान पर नहीं, उसमें गाना था कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना जो इन्हें रोके। इस पूरी धरती पे किसी देश की कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसका कस्टम जो है हवा को रोक दे। है पाकिस्तान की हवा भारत में आ जाए, भारत की हवा अमेरिका में चली जाए, यूक्रेन की हवा रूस में चली जाए, रूस की हवा यूक्रेन में चली जाए, कोई रोक लेगा? नहीं रोक सकता। हवा पे कोई बंधन नहीं है, इसलिए हमारी राधिका हवा से बात करती है, कहती है हे हवा, छोटे से रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। क्या कही राधिका? मेरे प्यारे, जो मेरे प्रिय हैं वो कैसे हैं? नव जलद से, जलद का मतलब होता है बादल, जल का मतलब पानी और दौ का मतलब हो गया देने वाला, जो पानी दे वो बादल। नव का मतलब होता है नया, जो नए नए बादल जब आसमान में वो रहते हैं ना। कृष्ण का रंग कैसा है? कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। आप क्या भी कहते होंगे कृष्ण को श्याम सुंदर। श्याम का मतलब क्या हुआ? मेघ, बादल के रंग के। मेरे प्यारे कैसे हैं? बादल के रंग के हैं। और नेत्र उनके कैसे हैं? कंज के समान, कंज यानी कमल। कैसे नेत्रों वाले हैं? कमल के समान नेत्र वाले। जो मेरे प्रिय हैं वह बादल के समान श्याम रंग के हैं, और उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्र हैं। वे जाके आए नौ मधुबन से, जब वो यहां से मथुरा चले गए, मधुबन चले गए, तो फिर वहां से लौट के नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। मेरे जो प्रिय हैं, जो बादल के समान श्याम रंग के हैं, जो कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्रों वाले हैं, वे यहां से मधुबन तो गए, लौट के नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। क्या करो तुम? तुमसे रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, मैं उनके वियोग में, अपने प्रिय के विरह में, अपने प्रिय से दूर होने के कष्ट में रो रो के पागल हो रही हूं। बावली मतलब पागल हो रही हूं। एक काम मेरी कर। क्या? जा करके मेरी सब दुख कथा किसको सुना दे? मेरे श्याम को सुना दे। राधिका रिक्वेस्ट करती है कि हे पवन, मेरी जो भी दुख कथा है, जितना मेरे को दुख है ना, तुम इसे अनुभव कर सकती हो। हे हवा, तुम पर कोई बंधन नहीं है। मैं लड़की हूँ, मैं नहीं जा सकती। मैं घर से जाऊँगी मिलने, इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी, लोग जाने नहीं देंगे, तमाम तरह की बातें कहेंगे, तुमको तो कोई नहीं रोकेगा ना। जा करके मेरी जो दुख कथा है ना, मेरे प्रिय श्याम को सुना दे। समझ में आया स्टेंजा? किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं तुरंत उसको रिप्लाई देता हूँ। जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मेरे कमेंट्स का रिप्लाई तुरंत मैं देता हूँ, इसलिए जहाँ कहीं कोई ग्रीवेंसेस क्रिएट होती हैं प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इसको पढ़ रहे हैं सभी के हित के लिए बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी लग रही हो अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशन, आपको लगता हो कि नहीं ये आपको बोर्ड में अच्छा नंबर दिलवा सकती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, आइए अगले पे चलते हैं, चौथे स्टेंजा पे। उन्होंने कहा पवन से, हे पवन, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुगद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। कहा हे पवन,
रास्ते में मिलने वाली ऐसे ऐसे छोटी छोटी जो लालच होंगी ना, उससे प्लीज तुम फंसना मत, बंधन में मत पड़ना। तुम मेरी बात शाम तक पहुंचाने के पहले रुकना मत। क्या कहा? जैसे ही मेरा घर छोड़ करके, तज मतलब छोड़ करके, जैसे ही मेरे घर को छोड़ के तुम बाहर निकलोगी, अल्प आगे बढ़ोगी, थोड़ा सा आगे निकलोगी। क्या कहते हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, आया था ना गीत, बहुत पहले सुने होंगे आप लोग। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तुम थोड़ा सा भी बाहर निकलोगी, शोभा वाली जिसमें बहुत सुंदरता होगी, सुखद जो बहुत ज़्यादा सुख देने वाली होंगी, कितनी मंजू, मंजू का मतलब होगा मुलायम और सुंदर, कुंजें झाड़ियाँ मिलेंगी। अब हवा और झाड़ियों का अपना एक असल प्रेम होता है, क्यों? हमारे यहाँ इंग्लिश में एक पोयम थी, हु हैज सीन द विंड, नाइदर यू नॉर आई, बट व्हेन द लीव्स वर ट्रम्बलिंग द विंड इज पासिंग बाय। हवा कब देखते हैं? जब पत्तियां हिलती हैं। अगर पत्तियां न हिलें तो ना आप जान पाएंगे ना मैं जान पाऊंगा कि हवा चल रही है। हु हैज सीन द विंड, किसी ने हवा को नहीं देखा। कब देखा? When the leaves were trembling, जब पत्तियां हिलने लगी थी तब हमें पता चला था कि wind is passing by, कि हवा यहां से होकर के जा रही है। ओके? कहा जैसे ही मेरे घर से आगे तुम निकलोगी, तुमको सुंदर सुंदर बहुत ज्यादा शोभा देने वाली मुलायम मुलायम झाड़ियां मिलेंगी, लेकिन उन झाड़ियों में तुम फंसना मत। फिर कहा, हे पवन, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। जहाँ पर जाओगी बीच बीच रास्ते में बड़े बड़े बागीचे मिलेंगे, सुंदर सुंदर छाया होगी, उस छाया भी तुमको रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन हे पवन मेरा दुख देखती रहना। मोहित करने की सारी व्यवस्थाएं तुमको पूरे रास्ते मिलेंगी, लेकिन हे पवन मेरा दुख लख देख करके, लख यानी देख करके, मेरे दुख का अनुभव करके तुम वहां पे विश्राम मत लेना। हे पवन, रास्ते में तुमको रोकने के लिए जितने भी संसाधन मिलेंगे, इसलिए कृपया पवन इस बात को ध्यान पे रखना कि मेरा दुख का अनुभव करना, मेरे दुख को देख करके तुम विश्राम मत लेना। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके शाम तक मेरी खबर पहुंचा देना। चलते हैं अगले वाले पे, पांचवें स्टेंजा पर। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से पर मुह्यमाना न होना। राधिका फिर कल्पना करती है, कहती है, हे पवन हो सकता है कि इसके बाद क्या मिल जाए। कहा थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो सरस रव का, रव का मतलब होता है आवाज, हवा का संबंध आवाज से भी है। आप लोगों के गांव में ना जब कीर्तन रामायण या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें लाउड स्पीकर वगैरह लगा रहता होगा ना, आप अनुभव करते होंगे जब हवा चलती है ना तो आवाज आती है, लेकिन सेकेंड बाद हवा जब नहीं चलती है ना तो वह आवाज नहीं आती है। जिस दिशा से हवा चल रही होती है ना उस दिशा की तरफ आवाज जाती है, यह सिद्धांत है हमारे यहां भौतिक शास्त्र का। तो कहा जैसे ही आगे जाओगे ना तो सुंदर आवाज यानी जहां पर सुंदर सुंदर मधुर कीर्तन भजन या किसी तरह की आवाज की चीजें मिलेंगी, सत पुष्प वाला धाम मिलेगा, सुंदर सुंदर पुष्पों वाले वृक्ष मिलेंगे, आगे आगे बड़े बड़े द्रुम, द्रुम का मतलब भी होता है वृक्ष, द्रुम का मतलब भी समझिए इसको, कहीं लिखिएगा, ये नए शब्द हैं, दुम का मतलब भी होता है वृक्ष। कहा आगे क्या होंगे, बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, कैसे वृक्ष होंगे, लतावान होंगे, उस पर लताएं लिपटी होंगी, सौंदर्यशाली बहुत सुंदर सुंदर होंगे, प्यारा वृंदा विपिन मिल सकता है तुमको, वृंदा विपिन, वृंदा मतलब तुलसी, विपिन यानी जंगल, वृंदा विपिन का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ समझिएगा, तुलसी का जंगल, वृंदा का मतलब होता है तुलसी, विपिन का मतलब होता है जंगल, यानी तुलसी का जंगल, यानी तुलसी के मधुर वृक्ष मिलेंगे, मन को क्या करेंगे, मोहित कर लेने वाले होंगे, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, ऐसे ऐसे तुलसी के, वृंदा विपिन का मतलब हो गया तुलसी का जंगल, नोट कर लीजिएगा कहीं, वृंदा विपिन, जी हाँ तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कहा प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन तुलसी का जंगल मिल सकता है जो मन को मोहित कर ले, देखो पवन आना जाना इस विपिन से, उस विपिन के ही रास्ते तुम जाना भी और उसी विपिन के रास्ते आना भी, लेकिन
प्लीज मोहियमाना न होना, मोहित मत होना। तुम उसी रास्ते जाना, उसी रास्ते आना, लेकिन प्लीज लालच में मत पड़ना, वहां रुकना मत, मेरा संदेश पहुंचा देना। समझ में आ गई बात? आइए चलते हैं अगले स्टेंजा पे। हम लोग आ गए हैं छठवें पे। अब देखिए यहां पर मामला उठता है, एक नई चीज आपको बता दूं, अक्सर बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि लोक मंगल की भावना। जी हां, आप जब अपनी किताब को पलटेंगे ना तो जो प्रश्न उत्तर होंगे उसमें देखिएगा, राधा की लोक मंगल भावना अक्सर पूछा जाता है इस चैप्टर के आधार पर बोर्ड में, कि राधा के अंदर लोक मंगल की भावना है। लोक मंगल यानी लोगों का मंगल करने की भावना। भले ही मैं कष्ट में हूं तो क्या हुआ, लेकिन अगर सामने कोई कष्ट में है तो उसके कष्ट का निवारण पहले होना चाहिए, यह भावना हमारे राधिका की है। आइए देखते हैं इस स्टेंजा में स्पष्ट होगा। छठा स्टेंजा से यहां से लोक मंगल की भावना स्टार्ट होती है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। अभी कह रही थी ना कि बीच में रुकना मत, यहां वही गादी का पवन से करी कि पवन रुक जाना। क्यों रुकना, कारण देखेंगे हम लोग। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, संदग्नों से श्रमित जन को हर्षितोसा बनाना। कहा लेकिन पवन तुम मुहिमाना मत होना, अभी पीछे कह रही थी ना, अब क्या कह रही है, जाते जाते अगर पथ में कोई कैसा दिख गया, क्लांत। क्लांत का मतलब दुखी, क्लांत का मतलब क्या हो गया, दुखी। अगर रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति मिल गया, रास्ते में अच्छा अच्छा मिल रहा था तो मत रुकना, लेकिन अगर रास्ते में कोई दुखी अगर दिखावे दिख जाए तो जाके सन्निकट उसके दुख को समाप्त करना। क्या कहा, सन्निकट नजदीक जा करके, हे हवा नजदीक जा करके उसका जो दुख है ना उसको मिटा देना, उसकी जो क्लांतियां हैं यानी उसका जो दुख है ना उसको मिटा देना। हे पवन जाते जाते रास्ते में अगर कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो उसके दुख को समाप्त कर देना। कैसे समाप्त करना, समाप्त करने का तरीका भी बता रही है, धीरे धीरे परस करके, परस यानी स्पर्श करके। जब ठंडी ठंडी हवा शरीर को स्पर्श करती है ना मजा आता है। आप लोग हमारे इसी क्लासरूम का पीछे का वीडियो देखे होंगे, इसी स्टूडियो में हम पंखा नहीं चला पाते थे क्योंकि कैमरा उस पे माइक पे आवाज पकड़ने लगता था, तब तो हमारे पास माइक भी नहीं था, बोया का माइक हम लोग यूज करते थे तो यहाँ सामने यहाँ लगाए रहते थे। अभी तो माइक सामने रखा हुआ है, दूर से पकड़ लेता है, तो क्या करता था यह माइक, पंखे की आवाज पकड़ने लगता था। एसी की सुविधा नहीं थी मेरे पास तो गर्मी में हम लोग एकदम पसीना पसीना हो जाते थे, फिर भी आप लोगों को पढ़ाते थे। अभी क्या है, अभी स्टूडियो में एसी लगा हुआ है, अब एसी ठंडा कर दे रहा है तो हमें दिक्कत नहीं हो रही है। यही हवा एसी से आने वाली जो हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है ना, मुझे इतना आनंद मिल रहा है कि आपको मैं सुंदर सुंदर बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहा हूं। नहीं होता तो क्या होता, इसी गर्मी में मैं भी परेशान रहता, पसीने पसीने होता, फिर मैं कुछ भी ना तो आपको पढ़ा पाता ना पढ़ पाता। तो क्या कहा, धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे स्पर्श करके। क्यों, क्योंकि तुम ठंडी हवा हो, प्रातः काली सुपवन है, ध्यान दीजिएगा हवा कैसी है, प्रातः वाली सुपवन है, सदगंधों से युक्त है, इसलिए हे पवन जा करके गात, गात का मतलब होता है शरीर, ध्यान दीजिएगा मैं लिख दे रहा हूं, इसका अर्थ अपने पास बना लीजिएगा, गात का मतलब होता है शरीर, शरीर का जो ताप है, शरीर का जो कष्ट है उसको समाप्त कर लेना। और क्या करना, सदगंधों से, तुम्हारे पास सुगंध भी है ना, सुगंध हमको क्या अच्छा लगता है, सुबह नहाने धोने के बाद हम डीओ मारते हैं, इधर कहीं शादी विवाह में जाना होता तो यहां सेंट, यहां सेंट, चारों तरफ सेंट मारते हैं। क्यों, कोई आता है हमारे अतिथि तो उसको माला पहनाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सुगंध होती है। हम अपने घर में पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, क्यों, सुगंध होती है, होती है ना। तो क्या कहा, सदगंधों से, जो तुम्हारे अंदर जो सुंदर गंध है, जो तुम्हारा सुगंधित वातावरण है, उससे जा करके श्रमित जन को, वह व्यक्ति जो श्रम से थका हुआ है, श्रमित यानी थका हुआ, श्रमित का मतलब क्या हो गया, थका हुआ व्यक्ति, उसको क्या कर देना, हर्षितों सा बनाना, उसको क्या कर देना, खुश व्यक्ति बना देना, हर्षित जैसा बना देना, उसको एक स्वस्थ मन वाला, खुशी मन वाला व्यक्ति बना देना।
हे हवा, रास्ते में जाते जाते अगर कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो सबसे पहले उसके दुख को समाप्त करने का उपाय करना, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर का तापमान यानी उसके शरीर के कष्ट को दूर करना और उसके मन को भी तुम हर्षित कर देना। आगे फिर हमारी राधिका कहती हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोदले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधिका कहती हैं, हे पवन, अगर रास्ते में कोई लज्जाशीला महिला मिल जाए, कोई महिला पथ पे जाते हुए पथिक महिला यानी रास्ते में कोई महिला मिल जाए, लेकिन महिला कैसी हो, लज्जाशील हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, मैं बड़े सीरियसली इस चीज को लेता हूं। लज्जा स्त्री नाम भूषणम, स्त्रियों का भूषण लज्जा है। यदि आपने अपनी लज्जा का त्याग कर दिया, पूरे समाज में कोई आपको स्थान नहीं देगा। ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियों के लिए ही लज्जा है, लज्जा हम पुरुषों के लिए भी है। अपने चरित्र को बचाकर रखना यह लज्जा ही है। इसलिए कहा कि कोई पथिक महिला जो लज्जाशील हो, अगर कहीं दृष्टि आए, अगर तुमको दिखाई दे जाए, तो क्या करना, होने देना विकृत वसना तो नहीं, उसको विकृत वसना मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को इधर उधर होने मत देना। हवा जब तेज चलती है तो वस्त्र इधर उधर हो जाते हैं, कपड़ा लत्ता समेटना पड़ता है, संभालना पड़ता है। क्यों, हमारी बहनें समझें या हमारे भाई, अगर आप शाल वाल लपेटे हो, खूब तेज हवा चलने लगी तो क्या होता है, कपड़ा लत्ता ऐसे समेट करके चिपकाना पड़ता है अपने आप को ना। कहा कि अगर कोई पथिक महिला रास्ते में दिख जाए तो अपनी स्पीड इतनी कम कर लेना कि उसके वस्त्र बिगड़ने ना पाए। विकृत वसना, खराब वस्त्र वाले यानी उसके वस्त्र बिगड़ने न देना, यानी उसकी लज्जा का ध्यान रखना। हे हवा, तुम अपने आप को धीमा करके उसको विकृत वसना मत होने देना, उस सुंदरी को विकृत वसना होने से बचा लेना, अर्थात उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना, अस्त व्यस्त होने से उनको बचा लेना। और यदि वह थोड़ी भी श्रमित दिखाई दे जाए, यदि वह थकी हुई हो, यह भी ध्यान देना, हे हवा, अगर वह पथिक महिला थकी हुई हो तो उसको गोद में लेकर के उसकी जो श्रांति है, उसकी जो थकावट है, उसको खोना यानी समाप्त करना। हे हवा, अगर वह महिला अगर थकी हुई हो तो उस महिला को गोद में लेकर के उसकी थकावट को समाप्त करना, और क्या करना, उसके होठों की और कमल के समान सुंदर मुख की जो म्लानता है, म्लानता मतलब सूखापन है, मुरझायापन है, उसको मिटा देना। यानी जो उसके चेहरे की मलिनता है, जो उसका अगर सूखा हुआ मुरझाया हुआ चेहरा दिख जाए तो उस चेहरे को क्या करना, खुश कर देना, प्रसन्न कर देना, तब आगे बढ़ना। सातवां स्टेंजा समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं आठवें पे। देखिए आज के इस सेशन में टोटल इसमें 26 स्टेंजा है, जिसमें से 13 हम लोग कवर करेंगे इस पार्ट में, बाकी 13 स्टेंजा के लिए हम लोग दूसरा पार्ट जनरेट करेंगे। दो पार्ट में वीडियो बन रहा है, पहले पार्ट में हम लोग 13 और दूसरे पार्ट में 13, तो अभी हम लोग आठवें पे आ चुके हैं, फटाफट खत्म करते हैं। आगे हमारी राधिका क्या कहती है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए लोकमंगल, अगर कोई कृषक ललना, यदि किसी किसान की कोई बिटिया, ललना शब्द प्रयोग हुआ है बच्ची के लिए, बिटिया, कोई बिटिया किसकी, किसान की कोई बिटिया, कैसी, क्लांता दुखी थकी हुई, मेहनत करके खेत से लौट रही, कोई क्लांता कृषक ललना यदि खेत में दिख गई, खेत में काम करती हुई कोई किसान की बिटिया अगर तुमको दिख गई, क्लांता थकी हुई दुखी, तो क्या करना, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी जो थकावट है उसको मिटा देना। हे हवा, भले ही तुम मेरा काम करें, जब संदेशा पहुंचेगा देखा जाएगा, लेकिन अगर रास्ते में कोई किसान की बिटिया मिल गई जो थकी हुई है, जो दुखी है, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी जो क्लांतियां हैं, उसका जो कष्ट है, उसका जो दुख है, उसका जो थकावट है, उसको समाप्त कर देना। और यदि कोई बादल
व्योम यानी आकाश में, व्योम का मतलब होता है आकाश, ध्यान दीजिएगा नया शब्द ये भी है, व्योम का मतलब होता है आकाश। यदि कोई जलद, अभी हमने पीछे देखा था जलद तन क्या मतलब, बादल जैसा शरीर, जलद मतलब बादल, यदि कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो तुम हवा हो ना, उड़ा के उसको ले आना और उस बादल से छाया कर देना। जब गर्मी में धूप में हम लोग चलते हैं ना तो आप देखे होंगे घमछहियां बोलते हैं, कहीं कहीं बादल होता है तो छाया हो जाती है, फिर बादल हट जाता है तो धूप आ जाता है। तो कहा बादल को ढकेल करके खींच करके ले आ करके क्या करना, छाया द्वारा सुखी कर देना। किसका हो? तप्त भूतांगना, भूतांगना मतलब पृथ्वी, भूत का मतलब होता है प्राणी, आंगन का मतलब हो गया रहने का स्थान, प्राणियों के रहने का स्थान यानी धरती। अगर यह धरती, क्योंकि धूप से अगर यह धरती जल रही होगी तो प्लीज किसी बादल को, अगर कोई बादल दिख जाए तो, जाता हुआ अगर कोई बादल दिख गया तो उस बादल को खींच करके ला करके उस बादल की छाया के द्वारा तुम इस धरती को क्या करना, जलती हुई तप्त भूतांगना, जलती हुई धरती को छाया द्वारा सुखित कर देना, अर्थात उस धरती को ठंडा करने का प्रयास करना। समझ में आई बात? चलिए नवे पे चलेंगे। अब क्या होगा, ये तो वो मामला होगा जो रास्ते में तुमको मिलेगा तो क्या करना है। अगर तुम मथुरा पहुंच गई, इतना सब करने के बाद अगर तुम मथुरा पहुंच गई तो क्या करना, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हम भी जब किसी नई जगह जाते हैं ना घूमने फिरने, किसी नए शहर में जाते हैं तो बड़ा उत्सुक होते हैं, ये देख लें वो देख लें, ये क्या है वो क्या है, ऐसे ऐसा होता है ना। कहा जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वरनगर की देखना और मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। क्या कहा, जाते जाते तुम कहाँ पहुंचोगी, हमारे मथुरा धाम में पहुंचोगी। राधिका प्रसन्न मन से कहती, क्यों, मथुरा हमारे प्रिय का घर है, मेरा जो प्रिय है ना जिसको मैं अनंग प्रेम करती हूँ, वह प्रिय मेरा कहाँ है, मथुरा में है। कहा जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुका होकर के, स्त्रीलिंग बना दिया उत्सुक को, उत्सुका होकर के, क्योंकि पवन दूती है ना। कहा उत्सुक होकर के क्या करना, न्यारी शोभा वर नगर की, वर का मतलब क्या है, हमारे यहाँ शादी में एक वर होता है एक वधु होती है, होता है ना वर और वधु, वर माने दूल्हा, कहिए वर माने क्या होता है, दूल्हा ही होता है ना, नहीं नहीं बताइए भाई, दूल्हा ही होता है ना, वर माने होता है श्रेष्ठ, वर का मतलब क्या हुआ, श्रेष्ठ। तुम जाना और देखिए मथुरा धाम को राधिका ने क्या कहा, श्रेष्ठ नगर, इस धरती पर उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता जहां पर मेरा प्रिय रहता हो। कहा जाना और उस श्रेष्ठ और बेहतरीन नगर को देखना और देख करके मुग्ध होना, आनंद लेना। हे पवन जाना मथुरा धाम में उत्सुक होकर के, प्रसन्न मन से खुश होकर चारों तरफ देखना और देख करके मुग्ध होना, आनंद लेना। तुम देखोगी, क्या देखोगी, वहां पर मेरु जैसे मंदिर होंगे, सुमेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े मंदिर होंगे। मेरु जो होता है ना, ये शब्द है सुमेरु, सुमेरु एक पर्वत है हिमालय का जो बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रामायण महाभारत में सुमेरु पर्वत की चर्चा होती है। कहा सुमेरु जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम चकित हो जाओगी, लख यानी देख करके। अभी पीछे मैंने बताया था लख मतलब क्या होता है, देखना। कहा तू होवेगी चकित, तुम चकित हो जाओगी, आश्चर्य में पड़ जाओगी, इतने ऊंचे ऊंचे मेरु पर्वत जैसे लंबे लंबे शिखर वाले मंदिर हैं। इतना ही नहीं है, आभा वाले कलश, मंदिर के ऊपर कलश लगता है। आप लोगों के गांव में, घर में, शहर में जो मंदिर होंगे ना, देखे होंगे मंदिरों के ऊपर पीतल के कलश लगाए जाते हैं, स्वर्ण के कलश लगाए जाते हैं। कहा जो कलश उनके मंदिरों पे ऊपर लगे होंगे ना, वे कलश कैसे होंगे, आभा वाले होंगे, आभा यानी प्रकाश बिखेर रहे होंगे, चमक रहे होंगे। कैसे, दूसरे अर्क जैसे, अर्क माने शब्द मिला अर्क, अर्क यानी सूर्य, अर्क पर्यायवाची है सूर्य का, सूर्य कितना तेज चमकता है, दिन में 10 बजे निकल के दिखाइए कितना तेज चमकता है,
सूर्य जिस तरह से सूर्य चमकता है ना, जैसे सूर्य की आभा होती है, वैसे ही उन मंदिरों के कलश की आभा होगी। तुम जाओ, जाके देखना, आनंद लेना। स्टेंजा समझ में आया? चलिए आगे दसवें पे चलते हैं। हवा का काम बता रही है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा ले लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। मैंने पहले भी कहा कि आवाज का हवा से बड़ा गंभीर संबंध है। कहा कि पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में चली जाना, जब सायंकाल की आरती होगी, जब प्रातःकाल की आरती होगी, तो तुम मथुरा में मंदिरों के बीच में चली जाना, जहां मथुरा के मंदिर होंगे उनके मध्य में चली जाना। क्या करना वहां जा करके? वहां जितने वाद्य बज रहे होंगे, नगाड़े बज रहे होंगे, घंटे बज रहे होंगे, घड़ियाल बज रहे होंगे, ढोलक बज रही होगी, झाल बज रही होगी, सारी चीजों को क्या करना, उनकी जो स्वर की मधुरता है उसको और बढ़ा देना। क्योंकि तुम जब जाके इधर उधर बहोगी ना, तो वो आवाज भी उसके साथ इधर उधर जाएगी। तो तुम जा करके, क्योंकि ढोलक के अंदर हवा होती है ना, जब हम ढोलक बजाएंगे तो आवाज निकलेगी, झाल बजाएंगे आवाज निकलेगी, घंट बजाएंगे आवाज निकलेगी, तो ये सारी जो आवाज है इसकी मुग्धता को बढ़ा देना। जैसे भी वो बज रहे होंगे, क्योंकि तुम मेरी सहेली हो, मेरे प्रिय का घर है, इसलिए जा करके वहां की मुग्धता को बढ़ा देना। वहां तुम इधर उधर टहलने लगना, जिससे आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले और लोग आनंद लें। और किमवा या नहीं तो, अगर हो जाए तो, किमवा या नहीं तो, शब्द देखिएगा किमवा, इसका अर्थ है या नहीं तो। अगर यह हो गया तब तो ठीक, नहीं तो एक बात और बता देती हूं। रुचिर तरु के, रुचिर का मतलब होता है अपनी पसंद के पेड़ का कोई ऐसा फल जो शब्द करता हो। शब्द का मतलब होता है आवाज, शब्द मतलब आवाज। अगर हमारे घर में नेनुआ है, नेनुआ देखते हैं ना, नेनुआ जानते हैं आप लोग, घेवड़ा या नेनुआ बोलते हैं, अभी खूब बिक रहा है बाजार में। अगर वो सूख जाए तो उसके बीज अंदर जो होते हैं उसको ऐसे बजाएंगे तो बजता है। ऐसे गोल वाली लौकी है ना, वो पक करके सूख जाए तो ऐसे करेंगे तो उसका बीज अंदर का बजता है। इस तरह के वाद्य यंत्र बहुत ज्यादा दक्षिण भारत वगैरह में बनाए जाते हैं। या तो अपनी पसंद के वृक्ष का कोई फल अगर तुमको ऐसा लगे कि उससे आवाज हो सकती है, तो उसको धीरे धीरे मुग्ध हो करके बजाना। यानी अब तुम जाके उस वृक्ष के अगल बगल ऐसे हवा चलने लगना कि उस वृक्ष के जो फल हैं वो बजने लगे और उससे आवाज होने लगे। राधिका ने कहा पवन से कि पवन देखो, पूजा के समय मंदिरों में चली जाना, वहां जो वाद्य बज रहे होंगे उन वाद्य यंत्रों की तो मुग्धता को बढ़ाना ही बढ़ाना, इसके अलावा यदि व्यवस्था बन जाए तो ऐसे वृक्षों को देख लेना जो तुम्हारी पसंद के हों, और उन वृक्षों पे अगर ऐसे फल हों जो बज सकते हैं, शब्दकारी फल अगर हैं, तो धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे हौले हौले बह करके उसको भी मुग्ध हो के बजाना। और जब मेरे प्रिय की आरती हो रही होगी, जब मेरे प्रिय के मंदिरों में पूजा हो रही होगी, तो उस पूजा का और आनंद बढ़ा देना। यह मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से इतना कर देना। आगे चलते हैं 11वें स्टेंजा पे। अब अगर तुम मेरे प्रिय के मंदिर पहुंच गई तो कैसा लगेगा तुम्हें? राधिका परिचय कराती हैं कृष्ण से कि तुम कैसे पहचानोगी कि मेरा कृष्ण कैसा है, तुमने तो देखा नहीं कृष्ण को। मैं देखी हूं, मैं बता देती हूं कि देखो ऐसा लगेगा, पहचानोगी कैसे? तो कृष्ण की पहचान करा रही है पवन से। तू देखेगी, किसको देखेगी? जलद तन को, जलद मतलब बादल के समान श्याम रंग के तन को, शरीर को देखोगी। कैसे? जाकर वहीं तदगता हो, वहां पहुंच करके, तदगता वहां पहुंच करके, तुम जब वहां पहुंचोगी तो जाकर के मेरे प्रिय के श्याम रंग के शरीर को देखोगी। श्याम रंग के हमारे प्रिय हैं, वर्ण हैं। उनके नयन कैसे हैं? लोने होंगे। लोने यानी, लोने शब्द देखिए, ये बड़ा स्पेशल शब्द है लोने। ये शब्द बना है लवण से, लवण का अर्थ होता है नमक। और जो हमारे साइंस के स्टूडेंट होंगे जानते होंगे, नमक का मतलब होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
हमारी नेत्रों में जो जल होता है ना, वो जो जल होता है वो NaCl से पड़ा होता है, होता है ना, जो हमारा नेत्रों में जल होता है उसमें क्या होता है, नमक होता है, NaCl होता है। तो उनके नयन कैसे होंगे, समझ आ गई बात, उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे होंगे, प्रेमाश्रुओं से भरे हुए नयन होंगे। लोने नयन का मतलब लवण युक्त नयन, अर्थात उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे होंगे, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू होंगे। कौन से आंसू, जो लवण युक्त होंगे यानी नमकीन होंगे, आंसू में NaCl होता है, नमक होता है, ठीक है। होंगे लोने नयन उनके नेत्र कैसे होंगे, अश्रु से भरे होंगे, कैसे अश्रु, प्रेम के अश्रु भरे होंगे, यानी उनके नेत्र सजल होंगे, जल से युक्त होंगे, और ज्योति उत्कीर्णधारी, और ज्योति निकल रही होगी उनके नेत्रों से, उनके नेत्रों से आभा निकल रही होगी, उनके नेत्र ऐसे होंगे जो प्रकाशमान होंगे, ज्योति के समान होंगे, सुंदर होंगे, उनके नेत्रों को देखते ही सब लोग सम्मोहित हो जाते हैं, ऐसे ज्योति वाले नेत्र हैं। मुद्रा होगी वरवदन की, वदन का मतलब होता है शरीर नहीं, वदन का मतलब होता है मुख, देखिए नया शब्द मिला, वदन का मतलब होता है मुख, यह जो एरिया है ना ये वदन है, संस्कृत में वदन का मतलब मुख, उर्दू में वदन का मतलब शरीर होता है, लेकिन वो वदन नहीं है, वो वदन शब्द है, वदन माने शरीर होता है, लेकिन उर्दू में, संस्कृत या हिंदी में वदन माने मुख होता है। कहा मुद्रा होगी वर वदन की, मुद्रा कैसी होगी, आशीर्वाद देने वाली मुद्रा कैसी होगी, आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े होंगे, और मूर्ति कैसी होगी, शरीर कैसा होगा, सौम्य होगी, कैसी होगी, मुलायम और सुंदर शरीर होगा। मूर्ति यानी शरीर कैसा होगा, मूर्ति मतलब शरीर कैसा होगा, सौम्य होगा यानी सुंदर होगा, मुलायम होगा। और वचन उनके कैसे होंगे, एकदम सीधे सीधे, सिक्त होंगे, सिक्त का मतलब होता है डूबे हुए, सिक्त का मतलब नोट करिएगा, सिक्त का मतलब होता है डूबे हुए होंगे, किस में, सुधा में, सुधा यानी हो गया अमृत, अमृत का पर्यायवाची है सुधा, यानी उनके जो वाणी होगी, उनके जो वचन होंगे, वह जो बोलते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे लगता है अमृत में डूब के बोल रहे हों। समझ में आई, परिचय देखा आपने, कृष्ण कैसे हैं, राधिका के नजर में कृष्ण कैसे हैं। प्रश्न पूछता है कि इस पाठ के आधार पर बताइए कि राधा का कृष्ण कैसा दिखता है, तो यह स्टेंजा बताएगा कि वो बादल के समान श्याम रंग के हैं। वह कृष्ण कैसे होंगे, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, यानी उनके नेत्र सजल हैं, उनके नेत्र आभा वाले हैं, ज्योति वाले हैं। उनका जो शरीर है वह कैसा है, वह बहुत ही मुलायम, बहुत ही सुंदर है। उनका चेहरा कैसा है, आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में है। और उनकी वाणी कैसी है, उनकी वाणी मानो अमृत से परिपूर्ण है। अर्थ समझ में आया, आइए चलते हैं, आज 12वें तक हम लोग पहुंच गए हैं, 13वें पे हम लोग आज स्टॉपेज लेना है, ओके। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को भी ये मतलब पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच गए हैं, जी हाँ, बहुत सारे लोग तो वीडियो शुरू करते हैं आधे में ही गायब हो जाते हैं, यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरी व्याख्या अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सामान्य शिक्षकगण और अभिभावकगण, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं आपसे विशेष आशीर्वाद की कामना करता हूं कि प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या है कृष्ण की परिभाषा, कृष्ण कैसे हैं, नीले फूले कमल दलसी ज्ञात की श्यामता है, प्यारा पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं छबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। क्या कहा कृष्ण, केवल बादल के समान ही श्याम नहीं है, नील कमल, देखिए नील कमल, कमल कई तरह का होता है, श्वेत कमल होता है, रक्त कमल होता है, नील कमल होता है। कहा नीले खिले हुए कमल के दल यानी कमल के पत्तों की तरह गात यानी शरीर, मैंने बताया था गात का मतलब होता है शरीर, तो शरीर की जो श्यामता है, शरीर का जो नीलापन है, वह क्या है, नील कमल के समान है। नील खिले हुए कमल यानी नील कमल के समान शरीर जो है उनका श्याम है। और तो और पीले रंग का प्यारा वसन, वसन का मतलब हो गया वस्त्र, क्या पहनते हैं कृष्ण हमारे, पीतांबर पहनते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात। बिहारी लाल जी, कहा पीला प्यारा वसन,
पीला प्यारा वसन यानी प्यारा सुंदर वस्त्र कहाँ पहनते हैं? कटी में, कमर में और कमर के नीचे, यानी पीले रंग की धोती। कैसा? फवीला, बहुत सुंदर, जो शरीर पे फवता है यानी जो शरीर की सुंदरता को बढ़ा देता है, शरीर पे बहुत सुंदर लगता है, ऐसा पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। और क्या है? बाल कैसे हैं? बड़े बड़े हैं। अलक का मतलब क्या हो गया? बाल की जो लट है, ये जो केश है ना, उनको बोला अलक। अलक यानी केश, समझिएगा। जो बाल है ना, उसकी जो छूटी हुई जो काली लट है, जो आगे लटकी हुई है, वह मुख की जो कांति है, कांति यानी शोभा, कांति यानी शोभा, सुंदरता, शरीर की जो शोभा नहीं, मुख की शोभा को बढ़ा देती है। यानी जो कांति है, जो सुंदरता है किसकी? मुख की, उसको बढ़ा देती है कौन? छूटी हुई आगे की लटकी हुई लट। यानी जो उनका काले रंग के बालों की जो लट चेहरे पे लटकी हुई है, वह लट क्या होती है? वो मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। और सदवस्त्रों में, वस्त्र कैसे हैं? सदवस्त्र हैं, सुंदर वस्त्र हैं। सदवस्त्र मतलब अच्छे वस्त्रों में नवल तन की, सुंदर शरीर की, नवल मतलब नया, सुंदर शरीर की फूटती सी प्रभा है। ऐसा लगता है शरीर में से बिजली निकल रही हो। प्रभा यानी बिजली। ये शब्द देखिए, सब जो आपको मिल रहा है ना, नोट कर लीजिएगा, प्रभा यानी बिजली। यानी उनके शरीर पे यह सदवस्त्र, यह सुंदर वस्त्र ऐसा लग रहा होगा कि मानो उनके शरीर से बिजली की आभा निकल रही हो। समझ में आया कृष्ण का परिचय? आगे फिर परिचय कराती है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। परिचय करा रही है सकल वपु। वपु का मतलब हो गया शरीर, वपु का मतलब शरीर। शरीर कैसा है? मानो सांचे में ढाल करके बनाया गया हो। इतना सुंदर शरीर है कि कोई उसमें कमी नहीं है, मानो एकदम सांचे में ढाल करके बनाया गया है वह शरीर। कैसा है? दिव्य सौंदर्यशाली, ऐसा सौंदर्य है कि वैसा सौंदर्य देखा नहीं जा सकता। दिव्य, अलौकिक, ईश्वरीय सौंदर्य से युक्त होकर के वह पूरा का पूरा शरीर दिखाई देगा। यानी उनका जो शरीर है ना, वो इतना दिव्य सौंदर्य वाला है कि मानो ऐसा लगता है कि सांचे में ढाला हुआ है। आगे कहती हैं सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, और उसके अंदर जो श्वासें चल रही हैं, प्राण को पोषित करने वाली जो प्राण संपोषिका यानी श्वास। प्राण संपोषिका का मतलब, ये जो शब्द है ना प्राण संपोषिका, इसका अर्थ यहां लेंगे हम लोग श्वास। जो हमारी सांस चल रही है, जो श्वास है, वो कैसी है? सत पुष्पों की सुरभि यानी पराग कणों के समान है। यानी जो ने जो सांसें चल रही हैं, उन सांसों में जो सुगंध है, वह ऐसी लग रही है कि सुंदर सुंदर पुष्पों के पराग कणों से युक्त हो। सुरभि यानी पराग कण। दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ वर से, बैलों के जो बड़े बड़े मजबूत कंधे होते हैं। वृषभ क्या मतलब? बैल। सुंदर जो श्रेष्ठ बैल होते हैं ना, उन श्रेष्ठ बैलों के समान दोनों मजबूत कंधे हैं। कैसे? सजीले, सुंदर। और लंबी बाहें कैसी हैं? कलभ कर, शब्द नया मिला, कलभ। कलभ यानी हाथी। कलभ कर का मतलब हो गया, यहां पे जब कर को इसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हाथी की सूंड। जो हाथी की सूंड होती है ना, उसी तरह सूंड के समान दोनों जो बाहें हैं वो शक्ति की पेटिका हैं। हाथी की सूंड बहुत मजबूत होती है, मजबूत से मजबूत पेड़ को उखाड़ लेता है हाथी, मजबूत से मजबूत लकड़ी को जो है सूंड पे टांग करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है, करता है ना हाथी। तो कहा जैसे हाथी की जो सूंड होती है वो जैसे मजबूत होती है, वैसे ही लंबी बाहें भी इनकी शक्ति की पेटिका हैं। यानी हमारा जो प्रिय कृष्ण है, उसका जो शरीर है वो इतना
इतना सुंदर है मानो सांचे में ढाल के बनाया गया है। उसकी जो प्राण संपोषिका यानी उसकी श्वासें हैं वो ऐसा लगता है कि सुंदर सुंदर पुष्पों के परागकणों को लेकर चल रही हो, यानी सुगंधित सांसें होंगी। उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैलों के मजबूत कंधों के समान सुंदर हैं और उनकी जो बाहें हैं वो हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका यानी मजबूत हैं। समझ में आया? तो दोस्तों आज जो मैंने कवर किया, देखिए ये 13वां स्टेंजा है, अभी हमको 13 स्टेंजा और पढ़ने हैं। जी हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं स्टेंजा क्रमांक 1 से लेकर के 13वीं तक। अभी जो होगा हमारा, इसके अगला जो पार्ट होगा यानी जो हमने पार्ट 2 जब हम बनाएंगे तो वो हम बनाएंगे पार्ट 2 हम बनाएंगे 14वें से लेकर के 26 तक। बहुत जल्दी वह वीडियो भी आपके पास अपलोड हो जाएगा। विशेषतः किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट www.ravikantmani.in पे जा सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रविकांत मणि त्रिपाठी के नाम से है, जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा ये चैनल भी है। और विशेष और अनिवार्य परिस्थिति में आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आवश्यक चीज हो तो ही व्हाट्सएप करें। ओके, ये बगल में मेरा कॉलिंग नंबर भी है। अगर हमारे सम्मानित शिक्षक बंधु, सम्मानित अभिभावक बंधु कोई सुझाव देना चाहें अगर हमारे बारे में, तो प्लीज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं रविकांत मणि त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आज आपके साथ था। और आज हम लोगों ने पवन दूतिका का ये पहला खंड देखा जिसमें स्टेंजा क्रमांक 1 से लेकर के 13वें तक हम लोग थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंत के द्वारा लिखी गई है कविता। आशा करता हूँ इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत रह गई है तो प्लीज़ आप हमको हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं उसको देख करके एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो एक बार फिर से चलते चलते वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अच्छी लगी हो व्याख्या तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्रेम अपना बनाए रखिएगा। सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्रधानाचार्यगण को विशेष अभिवादन, आपका विशेष आभार और आपके सतत आशीर्वाद की आकांक्षा में मैं रविकांत मणि त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।